दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है संघर्ष हमारा नारा है। हजोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पंचायत विभाग कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत विभाग कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हानि यार क्या तरिया बैठा हूँ कल से रमू ये घना धन आना बैठा से ले हमू बदा रोजगार सहायक मंत्री ने बदा जनपद ना इंजीनियर अधिकारी कर्मचारी एम करें बैठा कि हमारी नियमितीकरण की मांग थाय केम कि सरकार ने सबसे मोटी जो भी योजनाएं आवे ते सब पंचायत ना जो भी रोजगार सहायक से मंत्री से त्या पूरी करे मतलब लोगों सब काम करावे। बजा जनपद ना अधिकारी कर्मचारी भेगा था ना घना दन्ना बटा हूँ कल सरकार कन हूँ मांगी रह लेता हूँ हमो 18 विभाग ना से हाँ। बदा संगठन संयुक्त मोर्चा करीन से हाँ। त्या तिहोने बदा ने मांग के नियमितीकरण मांगी रह से हाँ। जा अधिकारी कर्मचारी से त्या भी रोजगार गारंटी में से मंत्री से रोजगार सहायक से वाटर सेट वाला से बी एम आवास पेला भेरू वाला के हाँ। ने एम करें टोटल 18 से ते इनमें मंत्री लोग भी से तिहन भी कईक मांगू से तिहन रोजगार सहायक ने मांगे से नियमित नहीं मिले हमें 9000 रुपया मिले रखू थे 9000 में रोजगार सहायक एम बदा ने मांगे से इतने बैठा बराबर तुम्हारी बात पर गाँव में हमने ग्राम पंचायत में घना कामों रोका रहा घना पोरिया ने आई टी बनावानी आ फलानू ढीकणू त्यू काम खोटी थे इन हूँ करो तो पर हमारे मांगे हम जहाँ तक ये मांगे नहीं थे तहाँ तक हम त्यू काम भी नहीं कर सके बोलिया रोज फोन आवे ना त्यू ना हमने हमारे कन भी कहना ना जन्म प्रमाण पत्र की रहा कहना ना आधार कार्ड में साइन करवा से की रहा कहना ना आई डी में जो प्रोफाइल बनावा तीन भी घना फोन आ रहा तो जहाँ तक तुम्हारी मांगे पूरी होते नहीं थे तब तक नहीं हरको नहीं हरकी हम काम नहीं लगे हाँ हाँ नहीं लगे किन मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं सर हमारे संयुक्त मोर्चा की जो प्रदेशव्यापी हड़ताल है जिसमें हम यहाँ राणापुर जनपद से जिला झाबुआ में काफ़ी मांगे हैं हमारी कि जैसे हमारे रोजगार सचिव जो भाई है ये काफ़ी मेहनत करते हैं फील्ड में इनको नियमितीकरण बहुत ज़रूरी है और इनकी सैलरी भी बहुत कम है 9000 के लगभग है और इसलिए इनकी सैलरी को लेकर हमारा मुद्दा है और नियमितीकरण का। दूसरा हमारे सचिव भाई वो भी मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं लाकि लेकिन उनको जो भी जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो अभी तक नहीं हुई है और बहुत सारी समस्या है जैसे यहाँ हमारे इंजीनियर संघ की भी है मनरेगा में जो भी इंजीनियर्स है वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो मतलब अभी तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है लोग मतलब हमारे जो भाई है वो 10 से 15 साल हो गए लेकिन अभी तक उनको कोई मतलब जो वेतन विसंगतियाँ है जो मेन डिपार्टमेंट जैसे हरिये से दूसरे डिपार्टमेंट है वैसी सैलरियाँ नहीं मिल रही है और काम का आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण क्या है कि प्रदेश में आए दिन हम देखते रहते हैं कि कई आत्महत्या हो रही है कई प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो कोई मतलब इस तरह से समस्याएं होती रहती है। मेरा नाम मेरा राहुल कुमार यादव मैं भी वाटर शेड से हूँ